देश भर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि जून का महीना कोरोना के लिए पीक महीना होगा, जब कोरोना वायरस अपने पीक पर होगा ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े स्तर पर मरीजों को अपनी चपेट में लेगा। इस वक्त जो ताज़ा आंकड़ा जारी हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसके मुताबिक देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 है। इनमें से जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 80,722 है। पिछले 24 घंटों में 6,535 नए मामले आए हैं। कुल 60,491 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,770 मरीज ठीक हुए हैं। और उधर मौत के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मरने वालों की संख्या 4,167 हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हुई है। तो ये ताज़ा आंकड़ा देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का, जो कि इस वक्त 1,45,380 पहुंच चुका है। इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 80,722 बताई जा रही है और जो मरीज ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी संख्या 60,491 बताई जा रही है। हालांकि मरने वालों के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक कोरोना से मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 4,167 है और पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हुई है। और न्यूज रूम से इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता ललित नारायण कांडपाल। ललित, अभी भी जो है इजाफा जारी है और जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि मई का अंत और जून का महीना जो है इस वक्त पीक पर पेशेंट्स हम देखेंगे, बड़े स्तर पर बढ़ोतरी होगी, तो वाकई ये आंकड़े उसी की गवाही दे रहे हैं। जी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और लेकिन पूजा इतना आज थोड़ा सा रिलैक्स है कि कल के मुकाबले आज कुछ आंकड़ों में कमी है। तो यानी कि जो फिगर लगातार बढ़ रहा था पिछले 3 दिनों से, आज वो एक बार फिर वापसी उसने की है और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जिस तरह से लगातार 200-300 लगातार पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद होगा ये कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो 7,000 को पार कर जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और जैसा कि अब खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR लगातार इस टेस्टिंग के नंबर को, जो कि अभी मौजूदा समय में 1,00,000 की टेस्टिंग हो रही है, उसको अब 2,00,000 करने की तैयारी कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट करने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस स्थिति में हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का जैसे जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो रहा है, उससे लगातार जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और कई राज्यों की जो स्थिति है उसके आंकड़ों में पिछले एक हफ्ते में बड़ा बदलाव आया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत भी है, लेकिन ललित यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस में बदलाव किए जा रहे हैं, मसलन क्वारंटीन का समय घटाया गया है। जी देखिए, दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले जो डिस्चार्ज पॉलिसी बदली थी, उस डिस्चार्ज पॉलिसी के अंतर्गत था कि जो पेशेंट्स थे पहले उनको 21 से 28 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता था, लेकिन अब उनको सीधे ये कहा गया कि जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं उनको जो है 10 दिन के अंदर ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। उसके बावजूद जो है यहाँ तक कहा गया कि जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं और कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो घर पर भी रह सकते हैं। तो जो क्वारंटाइन का टाइम है उसमें बदलाव इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि पेशेंट्स का जो नेचर है वो लगातार बदल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि जो एक तरह से पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम नहीं है और लगातार माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और वो जल्दी रिकवर कर भी रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि
उनको जल्दी छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते लेकिन वो थोड़ा ताजा स्थिति को देखते हुए क्या ये फैसला सही है, उनको प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। जी जी पूजा अपना सवाल दोहराइए। ललित, जिस तरह की ताजा स्थिति हम देख रहे हैं, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जून जुलाई में पीक पर रहेगा कोरोना और दूसरी तरफ हम लगातार ढील देते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार को इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि एक तरफ हम लगातार लॉकडाउन को खोल रहे हैं और लगातार डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी खुल रही हैं और सरकार जो है अगले चरण में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोलने की तैयारी में भी जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं जो बेहद ही चिंता का विषय है। इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य साधना पड़ेगा ताकि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी संख्या रुक सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए।